अब हम आपको इस वीडियो में जो लास्ट ट्रेड प्राइस है उस लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा है डिफरेंट डिफरेंट परचेज डेट का, उस स्टॉक का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है उस लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने क्या कितना प्रॉफिट होता है या तो कितना लॉस होता है, तो वो जानने के लिए एक रिपोर्ट है इस मॉड्यूल में, तो वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम ये पहले स्टॉक समरी में जा रहे हैं, तो स्टॉक समरी में देखिए कि ये हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है HDFC बैंक, उसमें 1/5/2020 के 600 पीस पड़े हैं और 1/6/2020 के 500 पीस पड़े हैं। उसी तरह ये जो कोटक बैंक है उसमें 700 पीस पड़े हैं, 700 नंबर्स के स्टॉक 1/2/2019 के, और जो 300 है वो 1/5/2020 के है, ये स्टॉक है आपका, ठीक है। तो ये जो स्टॉक पड़ा है उसका जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है यानी करंट डेट का जो प्राइस है, उस प्राइस पे अगर आप सेल करते हो तो आपको कितना गेन होता है या कितना लॉस होता है, तो उसके लिए आपको वो रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। उसके बाद आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स न्यू में जाना है और उसमें यहाँ पे एक लास्ट वाला ऑप्शन है स्क्रिप्ट वाइज स्टॉक समरी, क्लोजिंग स्टॉक समरी, उसमें जाना है। अब ये वाला जो रिपोर्ट है इसमें आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। सपोज मैं समझाता हूँ, देखिए ये आपका स्क्रिप्ट का नाम है, ये स्क्रिप्ट की परचेज डेट है, ये जो क्लोजिंग क्वांटिटी अवेलेबल है वो है, और ये उसका परचेज रेट है और ये इसकी परचेज अमाउंट है। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट ट्रेड प्राइस 1800 है, ठीक है, तो उस लास्ट ट्रेड प्राइस पर ये सेल्स अमाउंट इतना होता है और ये प्रॉफिट इतना होता है। और अगर वो जो अगर आज की जो लास्ट ट्रेड प्राइस जो है उस डेट को अगर आप सेल करते हो तो इतना प्रॉफिट होगा, और वो शॉर्ट टर्म का होगा या लॉन्ग टर्म का होगा वो भी इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट्स में मिलती है। अब जैसे सपोज मान लो कि ये आज की डेट का मैं कोई लास्ट ट्रेड प्राइस चेंज कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने अगले दिन देखा था कि मेरा लास्ट ट्रेड प्राइस 1800 था पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट का, तो उस ये 1800 पे ये मुझे दिखा रहा है टोटल 12,70,000 रुपया प्रॉफिट होगा, और ये वाली जो स्क्रिप्ट है उसमें टोटल आपको 11,60,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि नेक्स्ट डे सपोज कुछ लास्ट ट्रेड प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे वापस इस रिपोर्ट को ओपन करूंगा, यहां से एंटर प्रेस करके स्टॉक ऑल्टर में जा रहा हूं और यहाँ पे मैं लास्ट ट्रेड प्राइस को चेंज कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि इसका लास्ट ट्रेड प्राइस 2000 था और एंटर एंटर करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और ये जो मेरा कोटक बैंक है उसमें एंटर किया, स्टॉक ऑल्टर में गया और इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस जो 1500 था उसको मैं कर रहा हूँ 1200। तो अब आप देखिए कि 2000 लास्ट ट्रेड प्राइस में HDFC बैंक का आपका जो अभी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 15,90,000 हो रहा है, और कोटक बैंक का जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है वो लास्ट ट्रेड प्राइस 1200 पे आपको 7,10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाले इंफॉर्मेशन भी आपको इस मॉड्यूल से मिलेगी, उसके लिए रिपोर्ट भी मिलेगा। अब आपको इसको फिल्टर करके भी देखना हो कि भाई ये जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा है उसका लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म वाले जितने भी प्रोडक्ट आइटम्स होंगे उसका वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि लॉन्ग टर्म में टोटल आपको प्रॉफिट 4,20,000 हो रहा है, और आपको शॉर्ट टर्म वाले देखने हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो शॉर्ट टर्म का भी दिखा देगा। थैंक यू वेरी मच सर।